हाय दोस्तों वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल स्टडी साइट हमारा जो इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है उस सीरीज का एक थर्ड ट्यूटोरियल है पहले दो ट्यूटोरियल देखने के लिए जिसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर जाकर इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो बिना किसी देरी के हमारा टॉपिक शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इस पॉल्यूशन सीरीज का एक मेजर डेंजरस गैस है कार्बन मोनाक्साइड जिसका केमिकल नेम है सी ओ कार्बन मोनाक्साइड इतना खतरनाक है कि अगर किसी ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनाक्साइड इन्हेल करने से किसी आदमी का भी मौत हो सकता है अब आता है सोर्स ऑफ कार्बन मोनाक्साइड कौन कौन सी जगह से ये कार्बन मोनाक्साइड रिलीज होता है जिसमें से सबसे ज़्यादा है व्हीकल इमेंसन किसी गाड़ी या कार में यूज होने वाले पेट्रोल या डीजल जब बर्न होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है इसके अलावा भी फॉरेस्ट फायर जंगल में आग लगने से इंडस्ट्रियल एवल्यूशन में और एक मेजर सोर्सेस है पावर जनरेटर थर्मल पावर प्रोड्यूस करने के समय में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है एक और मेजर पोर्शन है बायोमास बर्निंग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है अब आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के फिजिकल कंपोनेंट के ऊपर बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस एंड ऑडोरलेस मतलब जिसका कोई कलर नहीं होता और जिसका कोई भी गंध नहीं होता इसलिए एक डेंजरस पॉल्यूटेंट कंटेंट है पहले ही बताया कि ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनाक्साइड इनहेल करने से किसी का भी मौत हो सकता है क्योंकि कार्बन मोनाक्साइड हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन कैनी करने वाले रेड ब्लड सेल होता है उसमें सीधा ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कार्बन मोनाक्साइड अटैच हो जाता है जिसके कारण ऑर्गन में ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं है इसकी वजह से किसी आदमी का भी मौत हो सकता है इसलिए कार्बन मोनाक्साइड को साइलेंट किलर कहता है अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पार्टिकुलेट्स जो कि हमारे एयर में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट के कारण कुछ पॉल्यूशन होता है जैसे मिस्ट डस्ट स्मोक एंड फोम्स एक्सेट्रा कुछ मेन डिजीज है और उसके कारण जानेंगे सो so, हमारा फर्स्ट डिजीज है पेनोमोकोनियासिस जो कि कोल्ड डस्ट इनहेल करने से ये डिजीज होता है दूसरा है सिलिकोनोसिस फ्री सिलिकॉन इन्हील करने से डिजीज होता है सिलिकॉन का ऑक्साइड फॉर्म जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड थर्ड है ब्लैक लंग डिजीज जो सारे लोग कोल माइन करते हैं उसमें यह डिजीज ज्यादा देखा जाता है फोर्थ है व्हाइट लंग डिजीज यह डिजीज टेक्सटाइल वर्कर में ज्यादा देखा जाता है आखिरी डिजीज है बाइसिनोसिस डिजीज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लोगों को होता है कॉटन डस्ट इनहेल करने से डिजीज होता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड है स्मोक जिसको कोड़ा कहते हैं ये स्मोक क्रिएट होता है बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ये स्मोक किएट होता है जब दो ठंडे एयर के लेयर के बीच में जब गर्म एयर मौजूद होता है तब स्मोक स्मोक्रिएट होता है ये स्मोक दो हिस्सों में डिवाइड है एक है क्लासिकल स्मोक और दूसरा है फोटोसिंथेसिस स्मोक हमारा नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिकल स्मोक इस क्लासिकल स्मोक को लंडन टाइप स्मोक भी कहते हैं जो कि 1952 में लंडन सिटी में देखा गया था कुछ डिटेल्स ऑफ क्लासिकल स्मोक उसमें से पहला है इस स्मोक के कारण लंडन शहर में काफ़ी सारे लोगों का मौत हुआ था ये स्मोक किय हुआ था ठंडे ह्यूमिड कंडीशन के कारण तीसरा पॉइंट है ए स्मोक एक मिक्सचर है जो कि स्मोक फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड का और फोर्थ पॉइंट है बहुत मात्रा में कार्बन एयर में जब मौजूद होता है तब क्लासिकल स्मोक होते हैं ए स्मोक होते हैं जब ठंडे मॉइस्चर युक्त एटमोस्फियर में कार्बन मौजूद होता है तब वो गैसियास फॉर्म में मौजूद सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक क्लासिकल स्मोक होते हैं स्मोक का दूसरा टाइप है फोटोकेमिकल स्मोक ये फोटोकेमिकल स्मोक होता है मेनली सनलाइट के मौजूद में जब इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ इस प्रकार का होता है वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट इस फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजल्स स्मोक कहते हैं जो कि 1943 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लॉस एंजेल सिटी में देखा गया था स्मोक का मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मोक एक मिक्सचर है जो कि नाइट्रिक एसिड पैन एल्डिहाइड एंड ओजोन का ये नेचर में ऑक्सीडाइट होता है नेक्स्ट स्लाइड है टोपोस्पियरिक पॉल्यूशन इस पॉल्यूशन के अंदर मेनली आते हैं डस्ट मिस्ट फोम्स स्मोक एंड स्मोग एक्सेट्रा जो जो गैसियस पार्टिकल्स के कारण ये पॉल्यूशन होता है उसमें से मेन मेन कुछ कंपोनेंट है जैसे सल्फर नाइट्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोकार्बन, ओजोन एंड आदर्श ऑक्साइड ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे साथ रिएक्शन करके टोपोस्पियर में पॉल्यूशन करता है एनवायरमेंट के अर्थ के एयर के ऊपर ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड है টটোস্পারিক পল্যুসন এ স্টেটোস্পারিক পলুশন হতে হয় মেনলি আমারে যে ওজোনার ও ডিস্টব করসিয়ারিক পলিউশন হতে হয় মেনলি কারণ হ্যা সিএফসি ক্লোরোফলোকারকসাইড অফ নাইট্রোজেন গ্যাসকে কারণ দূসরা কারণ হ্যা সি ফোর হ্যালোস অ্যান্ড মিথাই ক্লোরোফর্মকে কারণ এসে কারণ যে ডিজিজ হতে হয় উসে स्किन कैंसर सनबर्न इचिंग ऑफ स्किन कैटरेट ब्लाइंडनेस भी होता है यहीं पर ही हमारी यह वीडियो खत्म होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ